दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आंखों के नीचे काले घेरे दूर करने का बहुत ही सरल उपाय। केवल रोज के आपके 30 सेकंड लगने वाले हैं और रुपए शायद आपके एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। जिस भी चीज़ से मैं आपको ये उपाय बताऊंगी काले घेरे को दूर करने का, वो आपको घर में आसानी से ही मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है। बहुत ही इजी है ये उपाय, बस आपको किचन में जाना है और वहाँ से लेना है ठंडा दूध। जी हाँ दोस्तों, आपको ठंडा दूध लेना है। ठंडा का मतलब फ्रिज में रखा हुआ दूध। दोस्तों ठंडे दूध से हमारे जो आँख के काले घेरे हैं वो दूर हो जाते हैं। ये कोई आज का उपाय नहीं है, बहुत ही पुराना उपाय है। बस आपको क्या करना होता है, इस तरह की आपको एक कॉटन ले लेनी है। जी हाँ, कोई भी कॉटन आप ले सकते हो, ठीक है, और उसे आप चाहो तो पूरा कॉटन डिप करके इस तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो इस कॉटन को कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये जो कॉटन है हमारा, इसे हम कट कर दे रहे हैं ताकि हम इसे आँखों के नीचे जो घेरा है वहाँ पर सेट कर सकें। तो मैं इस कॉटन को कट कर देती हूँ, ठीक है। आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो आप कॉटन जो होती है उससे भी आप बना सकते हो, ठीक है, जो खुली वाली कॉटन होती है। और हम क्या करेंगे, इस ठंडे दूध में इसे डिप कर देंगे। दोस्तों दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे रंग को निखारता है एंड जो डार्क सर्कल होते हैं उनको दूर करता है, दाग वगैरह दूर करता है। एंड बच्चे थोड़ा सा शोर मचा रहे थे, थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, तो मैं उसकी माफ़ी मांगूंगी, अचानक से घर में शोर होने लगा, बट कोई नहीं। तो ये हमने इसे भिगो दिया है। अब क्या करना है, इसका जो दूध है हमें निकालना नहीं है बल्कि इसे कुछ ऐसे आँखों के नीचे रख लेना है। आप इसे रोज़ाना रात में करें, ठीक है, थोड़ा सा दूध गिरेगा बट आप दूध ना निकालें, ठीक है, इस तरह। बस कुछ सेकंड बाद ही खुद ही सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि दूध बहता ही रहेगा, अभी सूख जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा निकाल भी सकते हो, ठीक है। एंड इधर भी हम इसे लगा देंगे, ठीक है। इसे 5 मिनट अपने आंखों के घेरे के नीचे रखना है, 5 मिनट बाद हम इसे हटा देंगे। दोस्तों जो दूध होता है वो कालापन दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, ओपन पोर्स है उन्हें बंद करता है, हमारे स्किन को जो कलर होता है उसे ब्राइट करता है, जिससे हमारा कालापन दूर हो जाएगा। और हम यहाँ पे रख रहे हैं ठंडे दूध की पट्टी यानी कॉटन में डुबोकर, तो इससे हमारे आंखों को ठंडक मिलेगी। जी हाँ, आँखें बंद कर लीजिएगा, इससे हमारे आँखों को ठंडक मिलेगी। और जो हमारे आँखों के नीचे जो स्पेशली काला घेरा बनता है वो होता है तनाव के कारण। हम इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं जिसकी वजह से हमारे आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। और हम अपने रात में दो तीन दिन तक हम फ़ोन चलाते हैं, ये बहुत ही गंदी आदत होती है। तो इस गंदी आदत को छोड़िए और रात में ज़्यादा देर फ़ोन मत चलाइए, अपने आँखों को जितना ज़्यादा हो सके आराम दीजिए। दोस्तों ये हो गया दूध का उपाय। इसके अलावा भी मैं आपको एक उपाय और बता दूँ, अगर आप ये नहीं कर पाते तो रात को आपको एलोवेरा एंड हल्दी दोनों मिक्स करनी है एंड अपने आँखों पे इसे लगा देना है, जिससे भी आप रोज़ाना करोगे तो आँखों का काला घेरा कम हो जाएगा। पूरी रात भर के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। हम ये जो दूध की पट्टी रखने वाले हैं इसे धुलने वाले नहीं है, इसे यूँ लगा कर 5 मिनट बाद हटा देंगे और अपने आँखों को नहीं धुलेंगे। इसे दिन में नहीं करना है, इसे रात के टाइम करना है, क्योंकि रात के टाइम अगर हम आँखों के पास कोई मसाज करते हैं या ऐसी कोई होम रेमेडी करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है, वर्क करने लगता है और हमें नींद बहुत अच्छी आती है। और नींद भरपूर लीजिए, जी हाँ, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए तो आपका आँख का काला घेरा वो कम हो जाएगा। होता ये कि हम रात में फ़ोन चलाते हैं एंड सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी नींद कम्प्लीट ही होती है और हमारे आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फनी लग रही हूँ तो मैं अब इसे रिमूव करती हूँ। तो बस आपको इसे रिमूव कर लेना है एंड उसके बाद आप चाहो तो हल्के हाथों से ऐसे मसाज करिए, ठीक है।
बस हल्का हल्का आप मसाज कीजिए, इसे रोजाना करिए, आपके जो आंखों के काले घेरे हैं वो कम हो जाते हैं। दोस्तों आप भी देख सकते हो जो मेरे आंखों के नीचे आपको हल्का सा ब्लैक नजर आ रहा है कि रात में मैं फोन चलाती हूँ और वीडियो को एडिट करती हूँ, क्योंकि सुबह ही आपके लिए वीडियो शेयर करना होता है। मैं ये होम रेमेडी ट्राई करती रहती हूँ जिसकी वजह से ये जो ब्लैकनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप सतर्क रहिए और कम से कम फ़ोन चलाइए एंड हो सके तभी चलाइए वरना मत चलाइए। तो दोस्तों इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करना, ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और कोई भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ दोस्तों पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगी घंटी बजा दीजिए, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।